आज मुझे मुझे वैसी कराची यूनिवर्सिटी आके खुशी महसूस होती है बिकॉज ऑफ द स्पेशल कनेक्शन दैट आई हैव विद दिस यूनिवर्सिटी थैंक्स टू माय पेरेंट्स। लेकिन आज ज़्यादा खुशी इस बात पर हो रही है कि मुझे कराची यूनिवर्सिटी के अंदर तब्दीली होते हुए नज़र आ रही है, बेहतरी होते हुए नज़र आ रही है, क्योंकि मैं समझता हूँ किसी भी इदारे के लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है। जब से पब्लिक सर्विस में मैं आया, जहाँ इंसान जाता है लोग नेगेटिविटीज़ के ऊपर फोकस करते हैं कि ये नहीं हुआ, ये नहीं हुआ, हम ये नहीं कर पाए, हमारे ये मसाइल हैं, हमें ये मसाइल दरकार हैं। लेकिन अच्छी चीज़ जो मुझे आप इस यूनिवर्सिटी में नज़र आ रही है कि मसाइल की निशानदेही नहीं हो रही, अब मसाइल का हल तलाश किया जा रहा है। अब सिर्फ वसाइल हासिल करने की बात नहीं होती, अब वसाइल को जनरेट करने की बात की जा रही है और ज़्यादा इंडिपेंडेंस और इकॉनमी फिजिकल स्पेस कराची यूनिवर्सिटी को मिल रही है, जिसके लिए मैं कराची यूनिवर्सिटी की सारी मैनेजमेंट को, जो पूरी इंतजामिया है स्टार्टिंग फ्रॉम द वाइस चांसलर, रजिस्ट्रार, जो सिंडिकेट है, बोर्ड है और तमाम फैकल्टी मेम्बरान को मुबारकबाद पेश करना चाहूँगा, अप्रीशिएट करना चाहूँगा। आप सुबह के इस मुल्क के इस कराची यूनिवर्सिटी में आके पढ़ रहे हैं, इससे मुस्तफ़ीद हो रहे हैं। यानी कि जो आउटरीच है कराची यूनिवर्सिटी की, जो बेनिफिशरीज हैं कराची यूनिवर्सिटी के, उसके नंबर में 3 गुना इजाफा हुआ है 2 साल के अंदर। और इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि सिर्फ वो नंबर्स इन टर्म्स ऑफ स्टूडेंट नहीं बढ़े, इन टर्म्स ऑफ फिजिकल स्पेस बढ़े। मुझे खुशी होती है बताते हुए, और इसलिए मीडिया बड़ा इम्पॉर्टेंट है कि मीडिया इस चीज़ को हाईलाइट करे कि वही कराची यूनिवर्सिटी जिसको वसाइल का फुकदान था, आज मुझे बताया जाता है कि इस साल तकरीबन 650 मिलियन रेवेन्यू में इजाफा हुआ है और उसी कराची यूनिवर्सिटी में उसी इंतजार में। तो अभी भी इसको छोड़ दें, पॉजिटिव चीज़ों के ऊपर फोकस करें, तो मैं समझता हूँ बहुत कुछ अचीव कर सकते हैं और सोसाइटी को सर्व कर सकते हैं। तीसरी खुशी मुझे इस बात पर हो रही है, मैं तकरीबन 2.5 साल से हुकूमत का तर्जुमान हूँ, मैं बार बार ये कहता हूँ कि पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप इज द वे फॉरवर्ड। कराची तहसीन पेश करना चाहूँगा, शुक्रिया अदा करना चाहूँगा एक शहरी के तौर पर कि आप अपना हक अदा कर रहे हैं अपने शहर की तरफ, अपनी यूनिवर्सिटी की तरफ, अपने सूबे, अपने मुल्क की तरफ। तो माय हार्ट पे अप्रिसिएशन टू एवरीवन हु हैज कंट्रीब्यूटेड इन दिस वंडरफुल इनिशिएटिव। जो अहम मैसेज मैं समझता हूँ इसके लिए मुझे मीडिया की अब ज़रूरत है, वो ये है कि हमें वसाइल का रोना नहीं रोना चाहिए, हमें काम करने की नीयत करनी चाहिए। और अगर हम काम करने की नीयत कर लें तो हम काम दर हकीकत कर सकते हैं। और आपको मीडिया के थ्रू इस चीज़ को डिसिमिनेट करने की ज़रूरत है कि अपने कार्बन फुटप्रिंट को रिड्यूस करने के लिए ये जो क्लीन ग्रीन एनर्जी का कॉन्सेप्ट है, इसको हमें किस तरीके से प्रमोट करना है। और मैं समझता हूँ यूनिवर्सिटी का एक कराची यूनिवर्सिटी, कहीं भी यूनिवर्सिटी इसके ऊपर काम करे और पाकिस्तान की तमाम यूनिवर्सिटीज़ को मैं समझता हूँ इस क्लीन ग्रीन एनर्जी की तरफ जाने की ज़रूरत है, उनको इस तरह के इनिशिएटिव देने की ज़रूरत है। वो खुद अपने रिसोर्स इस्तेमाल करें, सेंट गवर्नमेंट का जो एनर्जी डिपार्टमेंट है वो भी सोलर एनर्जी के ऊपर काम करें। और हमने एक सिंध पीपल्स प्रोग्राम एनर्जी के हवाले से एनर्जी डिपार्टमेंट में स्टार्ट किया है। मैं तमाम पब्लिक सेक्टर यूनिवर्सिटीज़ को कहूँगा कि वो अप्रोच करें, रीच आउट करें एनर्जी डिपार्टमेंट को कि हम आपको असिस्ट कर सकते हैं उस प्रोग्राम में, ताकि आप अपनी फैकल्टीज़ को, अपनी यूनिवर्सिटीज़ के डिफरेंट एरियाज़ को इस क्लीन ग्रीन एनर्जी की तरफ कन्वर्ट कर सकें। नतीजा क्या होगा, आप अपनी इन्वायरमेंट को कॉन्ट्रीब्यूट कर पाएंगे, अपनी इन्वायरमेंट को बेहतर बना पाएंगे, कार्बन फुटप्रिंट को कम कर पाएंगे, एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली आप अपने जो एक्सपेंसेस हैं उसको कम कर पाएंगे। दिस इज़ अ वेरी चीप फैसिलिटी दैट वी हैव, दुनिया भर में इस चीज़ का इस्तेमाल हो रहा है। अनफॉर्चुनेटली हमने इस काम को करने के दिनों कराची यूनिवर्सिटी आया था, मैं खुद तो अलमनाई नहीं हूँ, मेरे वालदैन अलमनाई थे, मैंने अपने वालदैन के नाम से 2 स्कॉलरशिप्स अनाउंस की थी कि एक मेरी वालदा फौजिया वहाब के नाम पर और एक मेरे वालिद साहब वहाब सिद्दीकी के नाम पर। तो आज मेरा आने का एक और मकसद ये था कि मैं जो स्टूडेंट्स को शॉर्टलिस्ट किया गया है उनको चेक हैंडओवर करूं और इस कमिटमेंट के साथ कि इंशाल्लाह मुझे 4 साल की
ये तालीम होगी, उसके अखराज जो है मैं मेरा खानदान इंशाल्लाह उठाएगा, तो उसके लिए आया था। और मैं मैसेज यही देना चाहता हूँ कि वो शायद मेरे अल्फाज गलत हो, जॉन एफ कैनेडी ने कहा था, आस्क नॉट व्हाट योर कंट्री कैन डू फॉर यू, आस्क व्हाट यू कैन डू फॉर योर कंट्री। मैं समझता हूँ हम जो कुछ भी हैं इस मुल्क की वजह से हैं, हमने जो अचीव किया है, इट इज़ टाइम दैट वी रिटर्न टू द सोसाइटी। और मैं समझता हूँ हम सब अपनी अपनी कैपेसिटी में अगर ये मैसेज करना शुरू कर दें, छोटा बड़ा बताते कि दिस इज माई कॉन्ट्रीब्यूशन टू द सोसाइटी। जो लोग फाइनेंशियली कर सकते हैं वो फाइनेंशियली करें, जो फिजिकली कर सकते हैं वो फिजिकली करें, जिस तरीके से भी कर सकते हैं, एज लॉन्ग एज वी कैन कन्वे दिस मैसेज टू द सोसाइटी कि हम लोग इस माशरे की पैदावार हैं, इस मुल्क की पैदावार हैं, हम जहाँ हैं इस मुल्क की वजह से हैं, और अगर हम थोड़ा थोड़ा कॉन्ट्रीब्यूट इस मुल्क की बेहतरी के लिए अपनी कैपेसिटी में करने दें, तो ट्रस्ट मी कि गवर्नमेंट आपका हाथ थामेगी, माशरा आपका हाथ थामेगा, सोसाइटी आपका हाथ थामेगी, और मिलके हम एक ऐसा माशरा बना सकेंगे जिसका शायद हमने किताबों में तस्वुर देखा था, किताबों में पढ़ा था या अपने ख्वाबों में देखा था। तो मेरा मैसेज आप तमाम लोगों को ये है कि अंग्रेजी की कहावत है, येस टुगेदर वी कैन, एंड द गवर्नमेंट वॉन्ट्स टू वर्क विद द सोसाइटी, द गवर्नमेंट वॉन्ट्स टू वर्क विद एवरी वन। आइए हमारा हाथ थामिए, हम आपका हाथ थामेंगे और मिलके एक ऐसा माशरा, एक ऐसी सोसाइटी क्रिएट करें जिसके ऊपर हम सबको फख्र हो, और जो एलमना है, जो पाकिस्तानी एक्सपैट्रिएट पाकिस्तान से बाहर बैठे हैं, वो भी कह सके कि हाँ, ये ज़बरदस्त बेंचमार्क कराची वालों ने, सिंध में बसने वालों ने, पाकिस्तानियों ने पाकिस्तान के बेहतरीन मकाम में बनाया। बहुत शुक्रिया पाकिस्तान। बहुत शुक्रिया जनाब बैरिस्टर।